उत्तराखंड में कई दिनों से हो रही बर्फबारी चमोली जिले में आफत बनकर टूटी। यहां भारत चीन सीमा पर सुमना के पास ग्लेशियर टूट गया। शुक्रवार को सूचना मिलने के बाद रात से ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और जिला प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। शुक्रवार को चमोली जनपद से लगे भारत चीन सीमा क्षेत्र सुमना में सीमा सड़क संगठन के कैंप के पास ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर आ गया। वहीं ग्लेशियर टूटने की घटना का गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत संज्ञान लिया और मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने सुबह आपदा ग्रस्त क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया, साथ ही मुख्यमंत्री की सेना के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। कल रात जैसे हमको जानकारी मिली तो तत्काल मैंने यहाँ जानकारी की जीएम प्रशासन से, सभी से, और साथ में ही रात को गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बातचीत, उनका भी फोन आया और तत्काल हमने एनडीआरएफ और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में तत्काल जुटा और साथ में ही माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं और आईटीबीपी बिहार सभी आर्मी को पूरी तरह सचेत किए, तेज़ी से रेस्क्यू हुआ है और आज सुबह ही मौसम जैसे साफ हुआ तो हम सीधे उस क्षेत्र में होकर के आ रहे हैं। आपके पूरा देखा वहाँ जगह जगह रोड़े ध्वस्त हैं, बीआरओ अभी काम पे लगी है। बता दें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और जिला प्रशासन की टीम अभी तक राहत बचाव काम में जुटी हुई है। अब तक 391 लोगों को वहां से बचाया गया है, जबकि 6 शव बरामद कर लिए गए हैं और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल सुमना में बीआरओ के मजदूर सड़क निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। पिछले 3 दिनों से नीति घाटी में अत्यधिक बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। बर्फ बहुत ज़्यादा गिरी, मुझे लगता है कि पहली बार इतना बर्फ का गिरना ये हमने देखा है, तो समय लगेगा अभी। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कालाचांद साई का कहना है कि पिछले 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से उच्च हिमालय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बर्फ जमा हो गई है। स्नो एवलांच की पूरी संभावना है। एवलांच की सबसे ज्यादा संभावना उन पहाड़ियों पर ज्यादा होती है जिनका ढलान बहुत अधिक होता है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए शुभ गौर की रिपोर्ट।